वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भी टॉपिक अपडेट। भी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो आइए हम बात कर लेते हैं आज एक जॉब वैकेंसी की, जो SSC के थ्रू जो फेज 11 जो आए हुए हैं, सिलेक्शन पोस्ट 11 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या है उनकी पूरी डिटेल से जानेंगे, कैसे अप्लाई करें, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं और कैसी पोस्ट हैं और कितने पोस्ट हैं, ये सारे कुछ आप इनके नोटिस भी देख लेते हैं और इसका लास्ट डेट भी कब है। सबसे पहले आपको ये देखने के लिए आपको SSC पे आ जाना है। SSC जैसे ही सर्च कीजिएगा, यहाँ इनके होम पे जो भी ऊपर में आएंगे, ये ओरिजिनल इनके वेबसाइट है, इस पर आप क्लिक करके डायरेक्ट इसके होम पेज पे आते ही आपको यहाँ सारे नोटिस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ आप देखिएगा 7 मार्च को ये आया है, फेज 8 का है और ये नोटिस है, ये देख लीजिए पोस्ट नोटिस फॉर फेज 11 2023 सिलेक्शन पोस्ट। इस पर आते ही आप ओपन कर लीजिएगा और ये पूरी नोटिस आ जाएगी। आइए हम नोटिस को देख के अब पूरी नोटिस देख लेते हैं, क्या क्या इनमें इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक, और क्या है इनके लिए, कब डेट है लास्ट, ये सारे कुछ की चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो में। तो देखिए ये डेट देखिए कब तक है, बात कर लेंगे। ये 6 तारीख से 6 मार्च से स्टार्ट हुआ और 27 मार्च तक ये अप्लाई कर सकते हैं आप। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी 27 तक आपको रात में 11 बजे तक इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। आगे है लास्ट डे पेमेंट का जो है 28 मार्च तक है और ये रात 11 बजे तक पेमेंट कर सकते हैं। वही जनरेशन ऑफलाइन चालान जो है 28/3/2023 तक ये कर सकते हैं और चालान थ्रू जो होता है बैंक थ्रू ये 29 तक ये लास्ट डेट है, ठीक ठीक। आप लोग जल्द से अभी ऑनलाइन कर लीजिए क्योंकि अभी बहुत ही ये साइट स्लो काम करने लगती है अभी। तो आइए देख लेते हैं आगे और क्या है, इसके बारे में कुछ डिटेल से जानकारी हम लोग देखेंगे जो हमारे लिए अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या सिलेबस रहने वाली है, कैटेगरी में आप लोग जानते हैं किन के लिए छूट होता है। SC ST के लिए तो आप लोग जानते हैं 5 वर्षों की छूट होती है एज में। अब वहीं OBC को 3 वर्ष का छूट मिलता है, जनरल को कोई इसमें छूट नहीं मिलता है। देख लीजिए ये सारे सभी एक ही हैं, वो इसमें जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो हम लोग यहाँ से देखते जाते हैं, ठीक। हाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये देख लेते हैं कि ये कब तक आपको एज लिमिट जो है ये 1/1/2023 तक यानी कि ये 1 जनवरी तक ये मांगा गया है इसमें डेट, ठीक। आगे देख लेते हैं, आगे है वो एज रिलैक्सेशन की है, किनको कितने छूट मिलते हैं वो जो मैंने चर्चा कर लिया पहले। और पोस्ट की बात कर लें, ये कितने ईयर तक आप भर सकते हैं, तो ये देखिए 40 अप टू 40 ईयर्स तक ये ग्रुप सी वाले पोस्ट के लिए, अप टू 35 ईयर एज जो भी है ये अप्लाई कर सकते हैं उन लोगों के लिए, ESM और ASM के लिए जो होते हैं वो पोस्ट के लिए। आगे देख लेते हैं कुछ इंपोर्ट, देखिए दिया गया है कि अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई आप लोग भी जानते हैं ये सारे ऑनलाइन ही होती है और ऑनलाइन जाके आपका जो रजिस्ट्रेशन पहले से किए हैं वो लॉग इन करके वहाँ से अप्लाई कर लेंगे, और या जो न्यू है तो वो न्यू पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे फिर उन्हें अप्लाई कर लेंगे। और ये देखिए फी कितने, 100 रुपये सभी को लगेंगे, मतलब कि जो जनरल से है OBC से, बाकी SC ST को कोई फी नहीं लगेगा और फीमेल को भी कैटेगरी में जो भी है उनको भी कोई पे नहीं लगने वाला है, ठीक। बात कर ले एग्ज़ाम सेंटर की, तो देखिए ये सारे रीजन वाइज होते हैं एग्ज़ाम सेंटर, ये होते हैं कौन से, जैसे सेंट्रल रीजन में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे बिहार आ जाता है और UP आ जाता है। इसमें देखिए कौन कौन सा है, जैसे भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, आरा, बरेली और कानपुर, लखनऊ, मेरठ और प्रयागराज, ये इन सेंटरों को बनाया गया। उसी तरह बात कर लेते हैं हम दूसरे सेंटरों की बात कर लें, तो ईस्टर्न रीजन में आ जाता है कौन, अंडमान निकोबार जो आ जाता है वो ईस्टर्न रीजन में आ जाता है। वो कहाँ कहाँ, रांची में है, पोर्ट ब्लेयर, बालासोर, ये जगहों पे है जो आपके नज़दीक पड़े उस रीजन में आप डाल के और एग्ज़ाम सेंटर ले सकते हैं। आप जहाँ अप्लाई करना हो सीट के अनुसार आप वहाँ अप्लाई कीजिए, लेकिन सेंटर आप अपने नज़दीक ही ले लीजिएगा, ठीक। आगे देख लेते हैं, और ये तो सेंटर की बात हो गई, तो ये हमारे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इनको देख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट क्या है कि क्या क्या सिलेबस रहती है और क्या हम लोग को पढ़ना चाहिए।
देखिए सब्जेक्ट जैसे इसमें चार सब्जेक्ट से आप लोग को पता ही है, चार सब्जेक्ट से जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिक अर्थमेटिक स्किल होनी चाहिए, बेसिक लैंग्वेज होना चाहिए, बेसिक इंग्लिश में। ये 25-25 क्वेश्चन 50 मार्क के रहेंगे, चार सेक्शन से, टोटल 200 नंबर का रहेगा और 100 क्वेश्चन रहेंगे। इसके लिए टाइम आपको 60 मिनट का दिया जाएगा, वही 80 मिनट इनके लिए जो PH कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 80 मिनट का टाइम दिया जाता है। ठीक, ये इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात कर ले, 1.050 यानी कि 4 क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे गलत। आगे ये ऑनलाइन एग्जाम ही होगा और स्कोर नॉर्मलाइज किया जाएगा, ये सारा कुछ दिया गया है। ठीक, आगे देख लेते हैं। उसके बाद क्या है, स्किल टेस्ट, टाइपिंग, उसके बाद जिसमें जिस पोस्ट में टाइपिंग है, डाटा एंट्री, कंप्यूटर प्रोफेशनसी टेस्ट, ये सारे हैं तो वो उनको लिए जाएंगे। जिसके नहीं है वो डायरेक्ट उनके एग्ज़ाम के बाद जिस पोस्ट में, पोस्ट के अनुसार जो भी है क्वालिफिकेशन वो देना पड़ेगा आपको। आगे देख लेते हैं, मेट्रिकुलेशन लेवल के जो होते हैं उनके लिए ये सारे सिलेबस हैं, आप इसे देख लीजिएगा। ये आपको PDF में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ से देख लीजिएगा आप सिलेबस क्या क्या हमें पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है। हालांकि SSC के सभी एक ही रहते हैं, जो LDC, MTS, CGL के जो भी हैं वही पढ़ना है। वो पहले में वीडियो में बहुत सारे में डिस्कस कर चुके हैं सिलेबस के बारे में। देखिए सेकेंडरी लेवल के क्या है सिलेबस वो भी देख लीजिएगा आप, और उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल के भी जो होंगे वो देख लीजिएगा आप यहाँ से। ठीक है, यहाँ ग्रेजुएशन लेवल के जो भी हैं यहाँ से आप देख लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट यहाँ से भी लेके आप लोग रख सकते हैं। ठीक, आगे हैं जनरल अवेयरनेस के भी देख लीजिएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये ग्रेजुएशन लेवल के हैं, इंग्लिश लैंग्वेज है, क्या क्या पूछा जाएगा, एडमिशन टू एग्जामिनेशन, अब एग्जामिनेशन में क्या क्या करना है और क्या आगे ये देख लेते हैं। भरने के टाइम में आप लोग क्या यहाँ गलती नहीं कीजिएगा, फोटो और पे डेट होना चाहिए, ये नहीं भी होना चाहिए लेकिन डेट करंट करंट का फोटो होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे देख लेते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट, बहुत ही लंबी चौड़ी है इसका, बहुत ही लंबी चौड़ी है तो आप लोग देख लीजिए। देखिए आप लोगों को ये होने चाहिए डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, प्रिंट आउट ऑफ ई आधार होना चाहिए, उसके बाद वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज किसी एक वैलिड होना चाहिए, आईडी कार्ड इशू स्कूल कॉलेज से जो होना चाहिए उससे भी हो जाएगा आप लोग। ये सारे डॉक्यूमेंट में से जो आप लोग को लगेंगे वो फोटो जो बोल रहे हैं, इफ आइडेंटिटी कार्ड डज नॉट हैव द डेट ऑफ बर्थ देन द कैंडिडेट मस्ट कैरी एन एडिशनल ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, जिसका नहीं है उस आईडी कार्ड में तो वो डेट ऑफ बर्थ वाला सर्टिफिकेट वो डाले, ऐसे बोल रहे हैं, जिसमें सर्टिफिकेट फोटो भी हो, तो ऐसे कोई भी आईडी कार्ड है तो वो आप लोग जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरह करना है वो सारे डिटेल इसमें दे दिए गए हैं, क्या क्या ले जाना है ये तो बाद की बात है। पहले हम लोग और देख लेते हैं इसमें अभी इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है, जो अप्लाई हम लोग करेंगे उस टाइम क्या हमें भरनी चाहिए, फिल करनी चाहिए। हाँ देखिए, जब से इस वीडियो का मेन पर्पस यही था कि अब जो पार्ट में बोलने जा रहा हूँ, देखिए यहाँ अप्लाई करने से पहले आपको इसमें देखना पड़ता है कि जो हमें किस कहाँ हमें अप्लाई करना है, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग यानी कि जो भी योग्यता है आपकी उसके अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले पोस्ट देखनी होगी और कितने सीट हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, और कितने लेवल की ये एग्ज़ाम है आपको तो ये आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। जैसे देखिए NWR की जो है यहाँ के ये जैसे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट नेम है, और यहाँ एज है कितने 18 से 30, ये आपको डिपार्टमेंट में जहाँ ये जॉब लगेगी वहाँ दिया गया है, 18 से ये 30 होनी चाहिए एज, और PSK कहाँ कितने रहने वाले यानी कि Level 7 के जितने पे हैं, और ये ग्रेजुएशन और उनसे ऊपर के जो योग्यता है वो अप्लाई कर सकते हैं। मात्र यहाँ कितने टोटल 1 ही सीट है, तो इस तरह आपको यहाँ चेक करना होगा जहाँ आप इसे अप्लाई करेंगे। जैसे 58 सीट देखिए यहाँ है NWR में, ग्रेजुएशन लेवल पे है और टोटल 58 सीट है, और ये किसका है तो इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2nd का है, तो ये है लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, ये डिपार्टमेंट है यहाँ जहाँ आपको जॉब लगेगी एग्जाम क्वालिफायर करने पर, Level 6 का ये जॉब है, तो इस तरह आपको देखना है। जैसे इस तरह आपको देखने के लिए अगर आप चाहते हैं तो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ देखिए यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा है PDF के इस कोने पर, इस में 93 पेज नंबर या कहीं भी आ जाना है और यहाँ एक लिंक मिलेगा, आप लोग को क्या करना है इस लिंक पे सबसे पहले क्लिक
क्लिक करना है, ठीक। लिंक पे क्लिक करिएगा तो आपको एक इंटरफेस आएगा, ठीक। यहाँ आपको मान लीजिए कोई भी रीजन आपको चुनना है जहाँ आपको जॉब, तो सबसे ज़्यादा इस बार है किसमें, तो नॉर्थन रीजन में सीट सबसे ज़्यादा है, 3,000 के आसपास है। यहाँ जाके आप पोस्ट 11 यहाँ चूज करना है और यहाँ सर्च करना है। सर्च करते ही आपको सारे डिपार्टमेंट यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ से आपको देख लेना, पहले वहाँ देख लेने कितने सीट हैं, और नहीं तो आपको यहाँ भी आपको जो आपके एबिलिटी है उसके अनुसार आपको यहाँ देखनी है। जैसे मान लीजिए मैं किसी भी पोस्ट के बारे में देखना है, जैसे कलर पोस्ट में देखना है, तो लेवल 2 का पोस्ट है, 18 से 25 एज होनी चाहिए आपको। यहाँ व्यू डिटेल पे चले जाना है। व्यू डिटेल पे करते ही आपको यहाँ आपको क्वालिफिकेशन देख जाएगा कि आपको क्या इसमें मांगा जा रहा है। जैसे मांग लीजिए 12th पे है ये, 12th पास होनी चाहिए या उसके इक्वलेंट कॉमर्स भी आपको होनी चाहिए। इसके बाद आपको क्या टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश में, और 30 इस दोनों में से टाइपिंग में से हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी होनी चाहिए, और 35 का ये स्पीड होनी चाहिए, ठीक। और ये इसके बाद ये डिस्क्रिप्शन होगा, जो है 90 की पर डिस्क्रिप्शन पर आवर आपको ये करने हैं, 5 की डिस्क्रिप्शन पर ईच वर्ड। तो इस तरह के आपको देखने को मिल जाएगा सभी पोस्ट में, ठीक। और टोटल इसमें सीट देख लीजिएगा कितने हैं, तो यहाँ देखिए वैकेंसी टोटल 6 है, यहाँ जनरल के 3 हैं, 2 वैसे और 1 SC के, तो टोटल 6 पोस्ट पे हैं। और आपको 12th पास जितने भी ये अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह आपको सभी को चेक करना है, जैसे आपके जो भी है, जैसे कलर के लिए आप भरना चाहते हैं, जैसे MTS के हैं, जैसे LDC के लिए भरना चाह रहे हैं, तो इसमें सारे कुछ दिया गया है। आपको जहाँ आपको सुविधा हो और जो पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो वो पोस्ट पे आप डालें, और उसके बाद अपना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लें, ठीक। और देख ले पोस्ट जहाँ आप अगर योग्यता हो एक पोस्ट पर निकालने की, तो वहाँ पर अपना अप्लाई कर लीजिए। इस तरह आपको सारे सीट देख लेना है जहाँ सेंट्रल रीजन का हो, और या हम मुझे ये पूरी अभी कैलकुलेशन करने में बहुत काफ़ी टाइम लग जाएंगे, टोटल कितने पोस्ट हैं आप देख ही सकते हैं। मैं PDF को लास्ट तक दिखा देता हूँ, टोटल कितने पोस्ट हैं, यानी कि देखिए 5549, यानी कि इतने सीरियल नंबर हैं, और आपको टोटल पोस्ट देख लीजिए तो 5369, यानी 5369 पोस्ट हैं टोटल। वही जनरल के देख लीजिए इतने पोस्ट हैं, सभी कैटेगरी वाइज इतने पोस्ट हैं। तो आप जाके अप्लाई कीजिए, और जहाँ आपको सुविधा हो, कहाँ ज़्यादा है, जैसे आप मान लीजिए KKR डिवीजन में देखिए किस में लेवल 4 का है और 170 सीट है, ठीक। और ये सेकेंडरी लेवल 12th लेवल पर ये वैकेंसी है। तो अब जाके अगर यहाँ आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ आपको कोड देखना होगा, यहाँ ये कोड जो है ये कोड आपको देखना होगा, और अप्लाई करते टाइम ये कोड डालना होगा और रीजन डालना होगा कौन कौन से रीजन से है, तो ये सब अप्लाई करते टाइम आपको फिल करना है। तो आई होप आपको सभी समझ में आ गया होगा, और समझ में नहीं आया तो हमें मुझे कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो मैं एक नंबर दे दूंगा, उस नंबर पे आप हमें मैसेज करके पूछ भी सकते हैं, और या अगर फॉर्म फिलअप करना हो आपको तो वो भी आप मुझे मेरे से कॉन्टेक्ट कीजिएगा, मैं उस अनुसार आपको वो फिलअप भी कर दूंगा, मेरी टीम आपसे फिलअप कर देगी। तो आई होप जिसको भी ये पसंद आया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बताइएगा कैसा लगा वीडियो, और किसी को फॉर्म भरना है तो पूछे मुझे पहले ही बता दे सारे कुछ, और टेलीग्राम या व्हाट्सएप का नंबर मैं दे देता हूँ, उस पर आप लोग संपर्क कर लीजिएगा। तो ये नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक। और इस नंबर पे आप हमें टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, या मैं डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर जुड़ जाइए इस नंबर से, या कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट डालिएगा तो मैं वहाँ से रिप्लाई कर दूंगा, ठीक। जो भी प्रॉब्लम हो और फॉर्म अप्लाई करना हो तो टेलीग्राम से इस नंबर पर जुड़ के आप हमें मैसेज ज़रूर कीजिएगा, ठीक। चलिए, आई होप सारे इंफॉर्मेशन आपको अच्छे लगे होंगे, आगे जो भी इंफॉर्मेशन इस तरह के आते हैं इससे रिलेटेड मैं सारा कुछ अपडेट करते रहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।